चलो तो एरे के फंक्शंस देखेंगे आप, है ना। एरे के फंक्शन से बिफोर एक चीज देख लेते हैं, डायनेमिक एरे। ये हो गया स्टैटिक एरे, जो अपन एरे बनाते हैं ना अभी, ये कि अपन ने यहाँ पे वैल्यू लिया, ठीक है, और वैल्यू पास कर दिया, ठीक है, ये स्टैटिक एरे हो गया। मेमोरी में दो एरिया होता है, स्टोरेज का मेमोरी में दो एरिया होता है, एक होता है हमारा स्टैक और दूसरा होता है हीप। स्टैक में स्टैटिक डेटा जाता है, ठीक है, जो हमारा एरे जो होता है स्टैटिक, वो स्टैक सिस्टम पे काम करता है। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक रखते जाता है सीरीज में, और जो हीप में जाता है डायनेमिक डेटा, ठीक है, वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो ऐसे क्रिएट होता है, लिखते हैं न्यू एरे इस तरह से। ये हो गया एरे ऑब्जेक्ट, कैसे कह सकते हो, वो था ऑपरेटर के थ्रू, और ये हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। एरे पीछे अपना एक प्रॉक्सी क्लास बनाता है, प्रॉक्सी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टेम्पररी क्लास, ठीक है, इसीलिए उसके वो जो है ना मेथड्स वगैरह अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो ऊप्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो एरे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखोगे अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट लेंथ, ठीक है, नाम क्या है के, ठीक है, आ गया फाइव। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ए ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बन गया इस क्लास के अंदर, तो एरे क्लास बन गया। ये हो गया डायनेमिक तरीका एरे का डिक्लेयर करने का, डायनेमिक एरे डिक्लेरेशन, ठीक है, बाकी कोई चेंजेज नहीं है। डायनेमिक एरे डिक्लेरेशन, ठीक है, लिख लो। एरे का कोई वैल्यू उठाना है, लास्ट वाला उठाना है, फर्स्ट वाला उठाना है, ठीक है, फर्स्ट वाला वैल्यू उठाना है, अभी क्या करोगे, अरे फर्स्ट वाला वैल्यू रीड करना है, तो क्या लिखोगे यहां पे, जीरो इतना सोच क्यों रहे, ठीक है, ए का जीरो, आ गया ना, लास्ट वाला उठाना है तो क्या लिखोगे, हैं, अब 1,000 रहेंगे तो गिनते रहोगे, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो फिर लास्ट वाला उठाना है, क्या लिखोगे, सोचो, अरे लास्ट वाला वैल्यू उठाना है, मान लिया बहुत सारे वैल्यूज हैं, अब इंडेक्स हम थोड़ी गिनने के लिए बैठेंगे, अब लास्ट वाला वैल्यू उठाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो ए डॉट लेंथ -1, आ गया, समझ आया। लेकिन ये वैल्यू रेफरेंस हुआ, यदि हम अभी ए को प्रिंट करवाएं, है ना, तो भी वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, कर रहा है, बट वो वैल्यू यदि एग्जिस्ट नहीं करवाना हो, तो यहां पे लिख देंगे ए डॉट पॉप,
क्या लिखेंगे, ए डॉट, अब देखो नहीं आ रहा है ना, लास्ट वाला एलिमेंट आया लेकिन उधर वाला डिलीट हो गया। ये होता है पॉप का काम। पॉप क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को बाहर निकाल देता है, ठीक है। और एंड में वैल्यू ऐड करना हो तो क्या करेंगे, लास्ट में वैल्यू ऐड करना है इसके बाद, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे पुश, ठीक है, और कोई वैल्यू डाल दो, है ना, फोर। ऐड हो गया, ठीक है। चलो नोट करो, नेक्स्ट है एरे शिफ्ट, है ना। ये है तो पॉप के जैसा ही, बट फर्स्ट एलिमेंट को, है ना, उठाएगा इंस्टेड ऑफ लास्ट, ठीक है। शिफ्ट मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एरे एलिमेंट एंड शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट टू अ लोअर इंडेक्स, मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट को हटाएगा, बाकियों को एक एक, है ना, करके अपने आप शिफ्ट कर देगा लेफ्ट की ओर, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, ये एरे है, ए डॉट शिफ्ट किया तो 9 को हटाएगा, 6 को यहाँ ले आएगा, 7 को यहाँ ले आएगा, 3 को यहाँ ले आएगा, 4 को यहाँ ले आएगा, ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया शिफ्ट, ठीक है। देख ले आया, है ना। 5 था स्टार्टिंग में, बाहर निकाला और सबको शिफ्ट कर दिया एक, ठीक है, 3, 8, 9, 7। चलो नोट करो, कर लेना, आगे पढ़ लेते हैं। अनशिफ्ट जो है वो वही पुश की तरह, ठीक है, मेथड न्यू एलिमेंट एन एरे एट द बिगनिंग, जो पुश था वो लास्ट में ऐड करता है और ये स्टार्टिंग में ऐड करता है, ठीक है। तो अनशिफ्ट लगा दोगे, तो जैसे अनशिफ्ट यहाँ पे किया तो 2 यहाँ करा, इनको एक एक करके आगे अपने आप शिफ्ट कर देगा। देखो क्या आंसर आना चाहिए, 2, 5, 3, 8, 9, 7 आ गया, ठीक है। देखो है ना, चेंजिंग द एलिमेंट, रिप्लेस करना हो तो इजीली कर लोगे, किस इंडेक्स पे, है ना, ए के 2 पे, 0, 1, 2, तो 7 के जगह पे 8 आ जाएगा। लेंथ निकालना हो ये तो पता ही है, कर ही लिया है, ठीक है। डिलीट करना हो, है ना, तो एरे एलिमेंट्स कैन बी डिलीटेड यूजिंग द जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर डिलीट, यूजिंग डिलीट लीव्स अनडिफाइंड होल्स इन एरे। एलिमेंट तो हट जाएगा पर वहां पे क्या रहेगा, अनडिफाइंड लिखा हुआ रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा अपने आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। एरे की साइज उतनी ही रहेगी जितनी थी, है ना। जैसे ए का 2 हटाया, 0, 1, 2, 7 तो हटा, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, अनडिफाइंड, ठीक है। हाँ देखो देख, आगे अनडिफाइंड, यहाँ कॉमा आ रहा ना खाली, ठीक है, तो अनडिफाइंड है। लेंथ देखोगे, लेंथ उतना ही मिलेगा,
कितनी रेंज बता रहा है? पांच रेंज हटाने के बाद भी, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मर्जिंग कॉन्कैट करना है दो एरे को, ठीक है, तो अपन यहाँ कॉन्कैट लिख देंगे, तो दो एरे को मर्ज करके एक सिंगल एरे बना देगा, ठीक है ना। दो एरे की वैल्यू को हमें कॉन्कैट करना है और न्यू एरे बनाना है, ठीक है, तो रिटर्न कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, स्प्लैशिंग और स्लैशिंग। स्प्लैश मेथड एड्स न्यू आइटम टू एन एरे, और स्लैश मेथड स्लैश आउट पीस ऑफ एन एरे, ठीक है ना। ये जो स्प्लाइस है वो क्या करता है, ऐड करता है और ये बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, अभी दो एलिमेंट ऐड करना है, कहाँ से, टू इंडेक्स है 0 1 2, यहाँ पे लेमन और कीवी को ऐड करेगा बट विदाउट एनी रिमूविंग, ये रिमूविंग आर्गुमेंट है, ये ऐड है, ये रिमूव है, ठीक है, तो एक भी नहीं हटाएगा इधर वाला, तो उनको सब आगे शिफ्ट कर देगा, देखो अभी आ गया बनाना ऑरेंज लीव, और यहाँ पे है ना शिफ्ट कर दिया सबको, और यहाँ पे वन करो तो एक हटा देगा, मतलब एप्पल नहीं दिखेगा, हट गया ना। रिमूविंग टू कर दोगे, हट गया दोनों, वैसे ये कितना हटाना चाहते हो वो है, क्लियर है, लिख लो। अब देखो स्लैश है ना, स्लैश मतलब काट के बाहर निकल, वो था ऐड करना, स्लैश किस इंडेक्स से ऐड करना है और कितने रिमूव करके, यहाँ पे क्या करना है, स्लैश करना है कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ जो भी वैल्यू लिखोगे उससे कम रिमूव करेगा, यानी कम तक, ये 1 2 3, तो 0 1 1 से स्टार्ट करेगा, यानी ऑरेंज, ठीक है, 2 3 मैंगो तक हटा देगा, देखो क्लियर है ना। 1 2 कितना आटा, ऑरेंज हट गया, ठीक है, 1 2, और फिर एक हटाया, ये क्या कर रहा है ना, वन इंडेक्स से चार काट लिया, ठीक है, वन इंडेक्स से फोर्थ यानी कि थ्री इंडेक्स तक वो निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पे अपन ने कुछ और डाल दिया, ठीक है, तो वन से थ्री तक, तो 0 1 2 3 यहाँ तक उठा के निकाल के बाहर रिटर्न कर देगा, ठीक है, जीरो हाँ आ गया। अब जैसे यहाँ पे कर दिया, एक और एलिमेंट डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो 5, तो अब क्या करेगा, वन से लेकर के फोर तक निकाल के इसमें भेज देगा, बाहर निकाल देगा ना, तो 1, ठीक है, 2 3 4, इनको उठा करके बाहर कर देगा, एरे को प्रिंट करवाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा, ये बनाना और ये रहेगा, इनको तो काट के बाहर कर दिया, ठीक है, अभी सिर्फ इसको प्रिंट कराओ एरे को।
है ना, फ्रूट्स है ना। हाँ अभी फ्रूट्स को प्रिंट कराओ तो सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगा, क्या हुआ हटाए नहीं वहां से। हाँ ओके, ये उस पे ओरिजिनल ओरिजिनल एरे पे कोई इफेक्ट नहीं करता है ना, ये नोट में लिख लेना, ओरिजिनल एरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे क्या होता था अपना पॉप जो होता था ना, वो क्या करता था ओरिजिनल एरे पे इफेक्ट करता था, ये ओरिजिनल एरे पे इफेक्ट नहीं करेगा, वहां से बस वो उठाएगा। इसको ऐसे बोल सकते हो कि सब स्ट्रिंग को वो पिक कर रहा है, या सब एलिमेंट्स को पिक कर रहा है, एरे एलिमेंट से सब एलिमेंट्स को पिक कर रहा है। जैसे स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग उठाते हैं ना, वैसे वो उठा रहा है। एक्चुअल एरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नोट में लिख लेना। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जैसे ये आपका स्लाइस और स्लाइस है, क्या एक्चुअल एरे पे इफेक्ट करता है? नहीं, एक्चुअल एरे पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो स्लाइस है अपना, एक्चुअल एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल एरे जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। सिर्फ जो स्लाइस के लिए बोलोगे उन एलिमेंट को निकाल करके रिटर्न करके दे देगा, ये लिख लेना नोट में। सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग का मतलब रिकॉर्ड को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली, है ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सॉर्ट लिख दो, ठीक है, वो अपने आप अरेंज कर देगा। रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ रिवर्स ऑर्डर में यदि अरेंज हमें करना हो, पहले कर लिया सॉर्ट फिर उसको कर देंगे रिवर्स, तो वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एरे मैप फंक्शन, ठीक है। देखो ये बताता हूँ ये क्या करता है। जैसे अपन ने एरे लिया, ठीक है, है ना। अब हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट को बाहर निकालना है, या इसे सिर्फ इवन हमें निकालना है, रीड करना है, ठीक है, या हर एक एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे, अभी कोड लिखना है कि एक न्यू एरे आ जाए जिसमें आउटपुट में ये आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए 25, ठीक है, यहाँ पे आ जाना चाहिए 16, और यहाँ पे आ जाना चाहिए 64, और यहाँ पे आ जाना चाहिए। चलो ये करके दिखाओ बिना मैप का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर फॉर ऑफ पढ़ रखा है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, आई ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे ले लोगे बी इक्वल्स टू ब्लैंक एरे, यहाँ पे क्या लिखोगे बी डॉट पुश, क्या आई इंटू आई, और बी को प्रिंट करवा दोगे। आ गया,